आज हम किरातार्जुन नियम के प्रथम श्लोक की व्याख्या पढ़ेंगे। श्रियः कुरुणाम् अधिपस्य पालिनीम् प्रजासु वृत्तिम् व्यमयुङ्क्त वेदितुम् सवर्णिलिङ्गी विदितः समाययौ युधिष्ठिरम् द्वैत वने वनेचरः। अब इसका अन्वय पढ़ेंगे हम। कुरुणाम् अधिपस्य श्रियः पालिनीम् प्रजासु वृत्तिम् वेदितुम् यम् अयुङ्क्तः सवर्णिलिङ्गी विदितः वनेचरः द्वैत वने युधिष्ठिरम् समाययौ। कुरुणाम अधिपस्य, कुरु प्रदेश के राजा की, श्रियः पालिनीम प्रजासु, श्रियः राज्य लक्ष्मी का, पालिनीम पालन करने वाली, प्रजासु जो प्रजा है, उसके वृत्तिम वेदितुम, उसके व्यवहार को वेदितुम जानने के लिए, यम जिसे अयुंक्तः नियुक्त किया गया था, सह वर्णिलिंगी वह वर्णिलिंगी मतलब ब्रह्मचारी का वेश धारण करने वाला जो वनेचरः जो वनेचर है वन में विचरण करने वाला किरात है वह द्वैत वन में युधिष्ठिरम समाययौ युधिष्ठिर के पास वापस लौट आया। जब कपट पूर्वक दुर्योधन ने युधिष्ठिर को द्यूत क्रीड़ा में हरा कर उन्हें वनवास भेज दिया था तब द्वैत वन में अपने भाइयों और द्रौपदी के साथ रहते हुए युधिष्ठिर ने एक किरात को दुर्योधन के विषय में जानने के लिए भेजा था कि क्या दुर्योधन अब राज्यनीति का अनुसरण कर रहा है या नहीं, प्रजा उसमें अनुरक्त है या नहीं, वनवास से लौटने पर क्या पांडवों को उनका राज्य मिलेगा या नहीं। ये सारी बातें गुप्त रीति से जानने के लिए भेजा गया किरात दुर्योधन के राज्य से पुनः युधिष्ठिर के पास द्वैत वन में आया। ये इस श्लोक में वर्णित है। महाकाव्य के लक्षण का निर्वाह करते हुए महाकवि भारवी ने प्रथम श्लोक में वस्तु निर्देश किया है और भारवी के महाकाव्य की एक प्रमुख विशेषता का दर्शन हमें इस श्लोक में होता है कि उन्होंने अपने इस महाकाव्य के प्रत्येक सर्ग का आरंभ श्री शब्द से किया है। प्रारंभ का श्रीह शब्द इसी बात का सूचक भी है और मंगलवाचक भी है। किरातश्च अर्जुनश्च किरातार्जुनौ तौ अधिकृत्य कृतम काव्यम इति किरातार्जुनीयम्। किरात और अर्जुन पर आधारित ये महाकाव्य जो है उसका नाम किरातार्जुनीयम है और किरात का अर्थ है किरम पर्यंत भूमिम गच्छति इति किरातः। एक पर्वतीय जाति जो शिकार करके अपनी जीविका चलाती है उस किरात को वेश बदल कर गुप्तचर बनाकर युधिष्ठिर ने दुर्योधन के पास भेजा था। इस श्लोक में वंशस्थ छंद है जिसमें चार चरण होते हैं और उसका लक्षण है जतौ तु वंशस्थ मुदीरितम जरौ। सबसे पहले इसमें ज फिर त फिर ज फिर र होता है जिसमें लघु और गुरु की मात्राएं लगाई जाती हैं। मैं एक प्रथम पंक्ति में मात्रा लगाकर बताती हूँ। वंशस्थ छंद है। सबसे पहले ज जिसमें पहले होता है लघु गुरु लघु, फिर तगण है जिसमें गुरु गुरु लघु, फिर वापस जगण है जिसमें लघु गुरु लघु और अंत में रगण है जिसमें गुरु लघु और गुरु। ये चारों चरणों में इसी क्रम से मात्राएं लगाई जाती हैं और ये वंशस्थ छंद का उदाहरण है।